हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं बहुत खुश होती हूँ व्हेनेवर मैं कुछ बोलती हूँ मेरे व्लॉग में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि मैं कंटेंट प्लस डेली व्लॉग प्लस समथिंग मसाला मस्ती डालती रहूँगी। सो दिस कंटेंट इज़ क्लोज टू माई हार्ट, लाइक एवरी वीडियो इज़ क्लोज टू माई हार्ट, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मे बी, क्योंकि इसमें पूरे मंथ का मैं प्लानिंग करने वाली हूँ और वाइल डूइंग माई मेकअप एंड बहुत सारा कंटेंट है। और मैं ये बता दूं कि वेन एवर आई एम शूटिंग फॉर यूट्यूब व्लॉग्स, मैं 2-3 वीडियो साथ शूट कर देता कि मेरा आगे का जो सर्कल स्मूथली चले। एंड मैं बहुत कुछ ट्राई कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल। कभी कभी हो जाता है, आपको पता है इतनी गर्मी है इस टाइम पर, मैं छत वाले रूम में जो मेरी बुआ जी के लिए बनाया था, मेरे चाचू जी ने, मेरे तीनों भाइयों ने, और यहाँ फैन नहीं लगा, मेरी बुरी हालत है। सीरियसली आई एम नॉट पुटिंग एनी मेकअप एंड बत्ती आ गई प्रावा, कसम से बत्ती आ गई। कैन यू हियर द वॉइस ऑफ द बत्ती आ गई। वाओ, हाँ कुछ सामान में बैठने ना, काइट्स रखे इस रूम में। सो मुझे नहीं पता कि वॉइस आएगी नहीं, बट मुझे आई हैव टू एडजस्ट इट बिकॉज मुझे मेकअप करना है एंड फर्स्टली मुझे उन्हें बाल करना है एडजस्ट। गाइज आई होप ये हो जाए मैनेज। सो मैंने जस्ट अभी हेड वॉश लिया एंड हाउ आई मैनेज माई मंथ प्लानिंग एंड ऑल, मैं आपको सब बताने वाली हूँ। डन, आई होप इट लुक्स नाइस। सो पहली बात तो आई एम आउट ऑफ माई फेवरेट सेरामाइड मॉइस्चराइजर फ्रॉम फॉक्सटेल, रिस्टॉक करना ही है। सो इस जैसे हम टाइटल पढ़ लिया होगा कि माई मंथ अगस्त मंथ का क्या क्या स्केड्यूल रहेगा, 3-4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, तो मैं आपको पहला पार्ट बताती हूँ। पहली बात तो ना मैं अपनी प्रायोरिटी सेट रखती हूँ, मैंने आपको ब्लॉग में बताया होगा कि प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी इस मंथ में, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना मुझे इस मंथ में, या अपने बिजनेस को करना है जो कि आपको पता चल रहा है और काफ़ी सेल्स वेल्स लगी है मेरे उस पर। मैं अभी आपको उसका ब्लॉग बना के दिखाऊंगी, बट आई एम बिजी, पता नहीं क्यों यार, या मुझे ऑफिस का करना है, या अपना कंटेंट करना है, या अपनी ग्रोथ, वट एवर। पहले उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि मुझे इस मंथ किस पे ध्यान देना है। जैसे कि मैं एक काम करती हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो जितनी आती हूँ, मैं सब यूट्यूब वीडियोज़ ही क्रिएट करूँगी, नो रील्स नथिंग। आपको पता है पहले मैं लैंडस्केप शूट करती, फिर मैं रील फॉर्म में शूट करती, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड मैं आपको बता दूँ कि आपको लगता बहुत इजी है वीडियो बना के खाली बोलना ही, तो अब वो बोलने में लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, वो मैटर करता है, बहुत डिफिकल्टी है। सो मैं इस टाइम प्लान कर रही हूँ कि इस मंथ में अपने ऑफिस वर्क को इंपॉर्टेंस दूँ, बाहुबली एक्सप्रेस के काम को इंपॉर्टेंस दूँ, क्योंकि वो भी मेरा एक फेज है लाइफ का। तो आई एम थिंकिंग टू मेक मोर प्रोडक्टिव कॉन्टेंट ऑन माई न्यूज चैनल फॉर दिस मंथ। अगस्त के लिए मेरा पहला प्रायोरिटी मेरा न्यूज चैनल रहेगा, देन प्रायोरिटी रहेगा मेरा हेल्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट मेरे काम के सिनेरियो में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा हेल्थ, क्योंकि वो ठीक नहीं रह रहा काफ़ी टाइम से। देखो वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा एक दिन, कुछ नहीं होगा, जो आपको लव प्यार करता है ऑडियंस वो करती रहेगी एज यूजल। देन आई एम थिंकिंग टू प्रायोरिटाइज माई YouTube, Instagram is increasing day by day, but YouTube पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत चाहिए, और मैं उसमें नहीं कर रही इतनी अभी के लिए। जब से मेरा कॉलेज खत्म हुआ मैं कर ही नहीं पा रही, मैं बहुत मेहनत करती थी यार, आपको पता है अगर आपने मेरे को देखा है, ठीक है। देन YouTube का मेरा बिजनेस, देन माई Instagram, क्योंकि वो अच्छा जा रहा है एंड उस पर मेरे काफ़ी अच्छे से चल रहा है मेरा Instagram, और मेरा मैनेजर भी इस पर काम कर रहा है काफ़ी अच्छे से, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं अभी तक। सो आपके सामने मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, साथ में बात भी करेंगे इस बारे में। एज यू कैन सी, एज आपको पता है गर्लफ्रेंड डे शुरू होने वाला अगस्त से, कितना एक्साइटिंग है यार ये तो अगस्त सुनते ही। साथ में अगस्त में और क्या क्या, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन है, मतलब कि फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, साल ख़त्म होने पर भी आ गया तुम देखो। आई डोंट नो बट आफ्टर सम टाइम, जब से मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ ना, आई एम नॉट गेटिंग ए लॉट ऑफ ब्रांड वर्क, क्योंकि अब मैं क्वालिटी वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि अब जो मैं रीच और कॉन्टेंट क्रिएट कर रही हूँ अपने आईपैड में, उसको लेके मैं काफ़ी क्वालिटी पीपल अप्रोच करना चाहती हूँ। सही कहाँ गए, मैं कंसीलर ढूंढने वाली, तो आई एम थिंकिंग इट्स ओके, मुझे अपने कॉन्टेंट में वर्क करते रहना है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे ब्रांड जितना दे रहे हैं मुझे उसमें ही रहना पड़ेगा, मेरे को अपने अकॉर्डिंग देखना है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। उस टाइम फार्मा भी आ रहा है, वाइब्रेंट वर्क बहुत कुछ आ रहा है भाई, अपडेट्स ले लो मुझसे। हाँ तो मेरा नेक्स्ट रहेगा, पहले तो मैंने बताया प्रायोरिटीज़ क्या रखेंगे काम को लेके, देन मेरे को अगस्त में मिनिमम टू मिनिमम 5 ब्रांड्स का काम करना ही करना है।
मैंने कहा था ना, आई एम नॉट ए फाउंडेशन गर्ल या मैं कंसीलर गर्ल, मुझे एटलीस्ट टू एटलीस्ट 5 न्यू ब्रांड से काम करना है, ऑल ओवर इंडिया क्यों ना हो, मुझे करना है काम बस। मैं मस्कारा नीचे बोला ही, ओह फक, मैं मस्कारा रह गया। गाइस डोंट वरी, ये सब कुछ हो जाएगा ठीक, बट मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट ये है कि मुझे 5 ब्रांड से काम करना है, चाहे जम्मू के ऑल ओवर इंडिया के, और मुझे करना है क्योंकि कुछ ब्रांड्स तो अपने ही हैं एक तरीके से जो करते रहते हैं काम वगैरह, तो मैं तो चाहूँगी और नए ब्रांड से काम करना। देखो आई एम लुकिंग फॉर ग्रोथ, मुझे यहाँ काम नहीं मिले कुछ टाइम कोई दिक्कत नहीं, आई हैव द टैलेंट, आई हैव द कैलिबर, मैं कर लूँगी कहीं पे भी, बट मुझे मौका मिलना चाहिए उस चीज़ का, मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी अच्छे से। थर्ड मेरा प्रायोरिटी रहेगा एक ट्रिप लगाना अगस्त में, मानसून चल रहा है बट पता नहीं कहाँ लगाऊँगी, बट मेरा रहेगा एक तरीके से अगस्त में एक ट्रिप या ट्रैक लगाऊँ, जो ट्रैक जा भी रहा है मेरा, एक क्लाउड कैंपेन कैफे जंगल गली जा रहा है एक ट्रैक, मुझे जम्मू से बाहर जाना है मेरे को थोड़ा ट्रैक मारने के लिए। मेरा नेक्स्ट रहेगा एक ट्रैक, आप सबको भी हर मंथ में एक ट्रैक तो करना चाहिए, एक आउटिंग, छोटा मोटा आउटिंग सैटरडे संडे वाला, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, सच में कह रही हूँ बहुत फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा रहेगा कि मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज इन द वे जॉब ट्राई करूँ कुछ और, या कोई स्किल सीखूँ, मैं सीखने वाली हूँ काफ़ी स्किल्स एक्चुअली ना। तुम लोगों को लगता है जो ये इंस्टा पे डालते हैं वही सच होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट ठीक है हाँ, मैं दिख, नॉट एवरी वन इज शोइंग योर हिज और हर रियल लाइफ ऑन इंस्टाग्राम, बस मेरा वो नीश बन चुका है तो व्यूज़ नहीं पड़ते तो डाल दो, सीरियस शिट है यार, मैं क्या करूँ इस को लेके, बट ये सच है, एब्सोल्युटली राइट फ्रॉम माई साइड। नॉट ओनली दिस, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी शायद जम्मू से शिफ्ट हो रही हूँ बाहर, ये मैंने अभी रिवील नहीं किया अपने इंस्टाग्राम पे, बट आई एम गोइंग टू शिफ्ट, कहाँ क्यों कैसे वो मैं नहीं बताने वाली, बट आई एम गोइंग टू शिफ्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा मेकअप भी अभी चल रहा है, मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, आउच अब मैं थोड़ा सा इसको और ब्लेंड करूँगी, इसमें मैंने पाउडर लगा के रख लूँगा। देखो यार मैं ना अपॉर्चुनिटीज़ देने में बहुत हैप्पी रहती हूँ कि मेरे को बहुत लोगों ने दिया, तो वाई नॉट मैं क्यों ना दूँ किसी को। सो मैं बता दूँ कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स खुद के हैं ना उसके लिए मैं पे करती हूँ, ब्रांड वर्क के लिए भी मुझे लोग अप्रोच करते हैं, तो मैं लोगों को पूछती हूँ कि यू वॉन्ट टू वर्क कैमरा वगैरह एंड लीड्स शेयर करना, मैं इस टाइम बहुत अच्छे जनरेट करूँगी लीड्स वगैरह लोगों के लिए जिनसे वो कमा सकें। वट इफ आप अगर आप एक 10 मिनट के वीडियो शूट करने के लिए भी 50 रुपये 100 रुपये, क्या कमी है, खाना आपको बंदा प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे मैं ही कर देती हूँ, और ट्रैवल भी, तो मैं दिक्कत क्या, देखो पैसा छोटा बड़ा नहीं होता ना, काम छोटा बड़ा होता है, पैसा पैसा होता है चाहे वो 10 क्यों ना हो, 10 में भी आपको बहुत किराया मिल जाता है भाई एक जगह से जाने का। मेरे को लगता है कि इस टाइम में मुझे मेच्योरिटी आ रही है इस समय के अंदर, मुझे लग रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ खोलने का, उल्टा इतनी बौखला गई हूँ मैं। आई लव दिस ब्लश, आई हैव ए न्यू ब्लश एज वेल श्री ग्लैम का, आई वॉन्ट टू रिव्यू इट सुपर सून, बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा कि इसको मैं रिव्यूज़ करूँ बिकॉज आई एम यूजिंग दिस। सो मेरा जो अगस्त का मंथ है ऐसे ही रहने वाला है कि मैं नए ब्रांड का काम करना चाहती हूँ और मैं खुद को भी नई चीज़ों में एक्सप्लोर, और मेरा जो ऑफिस वर्क है मैं उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ इस मंथ, और अपनी हेल्थ पर। एक दिन वीडियो ना डालने से कुछ नहीं होगा गाइस, मर फतक गई ना तो फिर तुम बोलोगे हाय मर गई अच्छी लड़की थी, वो मरने के बाद ही बात करेंगे ना सारे, अच्छी बातें लोग मरने के बाद ही कहते हैं। एक्स्ट्रा ब्लश एक्स्ट्रा मी, यू कैन सी कि मैं कैसे रेडी होती हूँ, मैं ऐसे ही लगा के कुछ रहती हूँ, मुझे पसंद है नॉर्मल मिनिमलिस्टिक मेकअप। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को ये मंथली वो बनाते हैं, हम ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, एक मंथ होता है एक डेली का, एवरी डे इज़ ए न्यू डे फॉर अस, एवरी ईयर इज़ ए न्यू ईयर फॉर अस, तो वाई नॉट मंथ। मैंने इस मंथ का स्केड्यूल तुम्हें बता दिया कि मैं एक अगस्त में क्या क्या जिसको प्रायोरिटाइज करने वाली हूँ अगस्त मंथ के लिए, मेरा तो यही रहेगा फंडा मैं सोच रही हूँ। ओके एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग ए कोरियन और जापानीज और चाइनाज ब्रांड, आई डोंट नो कौन सा ब्रांड है ये, हर्मियन, इसका मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ वेरी पिगमेंटेड गाइस, इट इज़ वेरी नाइस एज यू कैन सी, एंड कीप लविंग मी यार। मैंने देखा मेरे 2 वीडियो चले ही नहीं है पिछले जो मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं, डेली लाइफ यार डेली लाइफ ना, डेली आपका मन नहीं करता बनाने का, पता है नहीं मन करता, आपको लगता है कि वीडियो ही तो बनाना है बगड़ के, कभी कभी यू आर नॉट फीलिंग लाइक कि आपको बनाना ही बनाना है कुछ वीडियो, बट मैं बनाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। लास्ट स्टेप बॉबी ब्राउन का लिपस्टिक, आई लव दिस शेड, आई लव दिस शेड, यस। सो माय मेकअप इज डन, हाँ
done. And I hope you like this video. If you are new to my channel, hi, I'm Neha Barwal. मैं किस दिन आपको पक्का इंट्रोडक्शन अपना एक्स्ट्रा वाला दूंगी. And thanks for watching. And thanks for understanding my feelings. And rate my look. Minimalistic, normal sa. And here we go. All the best to me for my August month. आप सबको भी अगस्त की बहुत बहुत मुबारकें. एंड इसका बर्थडे अगस्त में है वो कमेंट करके बताना मुझे. बाय बाय, टेक केयर.